तो इसी गाड़ी का ये चेम्बर है, देखो मलाई, देखो मलाई, मलाई जैसा ऑयल। जब ये हालत होगी तो फिर गाड़ी क्या हालत रहेगा बताओ, ऐसे हालत में गाड़ी कैसे चलेगी यार। देख रहे हो, मालूम पड़ रहा डामर है, डामर। अगर अचानक में कोई देख ले, ना जान मालूम हो, तो बताएगा भाई डामर है ये, ऑयल नहीं है। तो गाड़ी इंजन लॉक नहीं होएगा तो क्या लॉक होएगा इसका बताओ, इंजन लॉक ही होएगा ना। देखो इसमें सांप भी पड़ा है, ये सांप है, तो इंजन इसकी वजह से लॉक हो गया है। ये इंजन लॉक होने का वजह ये है कि इसका टर्बो फेल हो गया था और इसका जो है इंजन ऑयल पूरा गाढ़ा हो गया था। गाढ़ा बोले तो बिल्कुल से हलवा हो गया था। हलवा होने की वजह से इसका इंजन जलवा हो गया, इंजन पूरा। हाँ, तो ये जो इंजन है बुरी तरीके से लॉक हो चुका है और अब इसका हम खोलने वाले हैं, क्योंकि पूरा हमने चेक कर लिया इसका जो है, पीछे का टायर भी घुमा के चेक कर लिए हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसका कुछ चक्का वगैरह जाम हो। लेकिन चक्का अगर जाम रहेगा तो स्टार्ट होने पे, न्यूट्रल करने पे, स्टार्ट होने पे स्टार्ट हो जाना चाहिए गाड़ी। लेकिन इसको आगे का पुल्ली, जो मेन पुल्ली है, वहाँ से पानी लगा के घुमाने के बावजूद भी ये घूमता नहीं है। और टर्बो जो है यहाँ का, उस साइड से दिखाता हूँ। तो फिलहाल इसका टर्बो खोला गया था क्योंकि इसका टर्बो जो है पहले ख़राब हो गया था, पूरा धुआं छोड़ रही थी। तो आजकल के चक्कर में इसका टर्बो इसी तरीके से चलाते रहे और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका पूरी तरीके से इंजन ऑयल जो है गाढ़ा हो गया और इसका ऑयल पंप जो है ऑयल लेना बंद हो गया इसका, और गाड़ी गर्म हो गई। गर्म होने की वजह से गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी हो गई और दोबारा स्टार्टर मार रहे तो स्टार्टर जो है खट खट कर रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि फंस गया, अटक गया स्टार्टर। तो हम जाकर इसको चेक किए तो मालूम पड़ा कि इसका इसे टोशन करना पड़ेगा। अभी हम लेकर गैरेज पे जब आए तो इसको देख रहे कि हमने टर्बो तो खोल लिया लेकिन इसका जो हमने घुमाया तो देखा इंजन पूरी तरीके से लॉक है। तो ऐसा लगता है इसका इंजन खोलना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल कितनी बुरी तरीके से काला हो चुका है। काला बोले तो ऑयल पूरा ये इतना ख़तरनाक ऑयल हो चुका है इसका। तो इतना ख़तरनाक ऑयल हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी कैसे।